जो है प्रश्नावली 8.1 की क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, पहले ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दर्शाइए यदि चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको समझ लीजिए। दर्शाइए कि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग बनता है। ज्ञात है चतुर्भुज ए बी सी डी, ज्ञात है चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, के विकर्ण, के विकर्ण ए सी तथा बी, ए सी तथा बी डी। ज्ञात है चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर बीडी परस्पर बराबर तथा संपूर्ण पर सम तथा संपूर्ण पर समद्विभाजित करते तथा संपूर्ण पर समद्विभाजित करते संपूर्ण पर बराबर क्या है OC।
ऐसा आपको ज्ञान, ऐसा आपको ज्ञान। साथ में आपको ये भी पता है कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होता है कोण बी ओ सी। ये प्रत्येक कोण कितने के हैं? 90। साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी हो गया तो इनके बाद आपको ओ बी दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी, और ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा त्रिकुज। इसलिए नियम क्या लगेगा? भुजा, भुजा कोण, भुजा भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता से आप पाएंगे क्या? यहाँ पे आपको त्रिकोण ए ओ बी, ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिकोण बी ओ सी। देखिए दोनों त्रिकोण सर्वांग सम हो जाते हैं तो यहाँ पे ए बी किसके बराबर होगा? बी सी। इसलिए आप कह सकते हैं कि सर ए बी किसके बराबर है? बी सी। अब इसी प्रकार आपको चाहिए, जैसे आप ए बी बराबर बी सी से लिखी है, वैसे आप चाहे तो ए ओ बी और ए ओ डी में भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार त्रिकोण एओबी तथा एओडी, त्रिकोण एओडी में आप क्या दिखा सकते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये मालूम है कि ओबी किसके बराबर है? ओडी। ओबी किसके बराबर है? ओबी। ये आपको ध्यान, ओबी किसके बराबर? ओडी। साथ में कोण ए ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर किसके है? ए ओ डी, ए ओ डी। प्रत्येक कोण कितने के? 90। साथ में ओ ए दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ। ओ ए बराबर क्या है? ओ ए, और इसे आप कहते हैं उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे त्रिकोण ए ओ डी सर्वांग सम त्रिकोण ए ओ डी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस नियम के तहत भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो देखिए यहाँ पे मिलेगा क्या? अब देखिए यहाँ पे त्रिकोण ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज हो गया ए ओ बी। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये भी पता हो गया ए बी किसके बराबर हो सकता है? ए बी किसके बराबर हो सकता है? ए डी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप ये सिद्ध कर सकते हैं। इसी अतः इससे आपको साबित हो जाता है, इसी प्रकार अतः आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो सकता है? बी सी, और बी सी बराबर क्या हो सकता है? सी डी बराबर क्या हो सकता है? ए। चूंकि दोनों के विकर्ण परस्पर कैसे हैं? लंबवत हैं। दोनों के विकर्ण कैसे? लंबवत हैं। मतलब ए सी इधर परपेंडिकुलर क्या है? बी दिया गया है। तो इसलिए चतुर्भुज ए बी सी कैसा होगा? एक वर्ग। कैसा होगा? एक वर्ग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए।
क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है? सिक्स है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का अभिकर्ण इस कोण ए को संविभाजित करता है, वैसा ही कि कोण सी को भी संविभाजित करता है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर छः, छः में आपको देखिए फिगर बना दी है किताब में, उसको आप देख सकते हैं। पहले तो देखिए फिगर आपका क्या है, देखिए समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एस कोण ए को संविभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, ए बी सी डी के विकर्ण, के विकर्ण समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण क्या है? एसी, विकर्ण एसी कोण ए को समविभाजित करता है, समविभाजित करता है, समविभाजित करता है। तो इसका मतलब है या फिगर को देखिए तो समझ में आएगा, जैसे आपको ये दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इसके अलावा इनके विकर्ण जो है वो ए सी है। ए सी आपको यदि मालूम है ये कोण ए को क्या करते हैं, संविभाजित करते हैं। तो मतलब कोण ए किसके बराबर है, कोण दो है। ए सी कोण ए को क्या करता है, करता है। आप देख सकते हैं कि अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कोण ए किसके बराबर है, कोण दो, कोण ए किसके बराबर है, कोण दो। आपको क्या पता करना है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, ये आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है नंबर एक, यह कोण सी को भी संविभाजित करता है। सिद्ध करना है नंबर एक, विकर्ण एसी कोण सी को भी संविभाजित करता है, कोण सी को संविभाजित करता है, संविभाजित करता। एक तो प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करना है। आपको ये दिखाना है, ये जो कोण आपका है ये भी क्या हो रहा है, संविभाजित हो रहा है। सबसे पहले आप जानेंगे कि अगर आप इसके अलावा आपको ये भी दिखाना है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अगर आप संविभाजित होता है यहाँ पे हम चाहेंगे तो इसे कोण तीन और इसे कोण चार दिखा सकते हैं। अब इसमें आप पथ देखें, पथ में क्या है, पथ में आप देखेंगे यहाँ पे जो विकर्ण एसी है क्या वो कोण सी को भी संविभाजित करता है। सबसे पहले आपको ज्ञात किया है, आपको ज्ञात नहीं है कि कोण ए किसके बराबर है, कोण दो। आपको ये साबित करना है क्या कोण तीन कोण चार के भी बराबर हो सकता है। ध्यान देना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी ये कैसा चतुर्भुज,
समाप्त क्योंकि हाँ देखिए ध्यान से चाहे तो आप ऐसे ही समझ लें कि अगर आप रचना करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रचना भी कर सकते हैं। ये रचना में आप चाहे तो इसे रचना लिख लें तो पहले रचना क्या कर लीजिए आपने करने के बाद रचना रचना क्या है बी को डी से मिला बी को डी से मिला बी को डी से मिला चलिए एक काम हो गया। अब आप समझिए यहाँ पे उत्पत्ति के लिए आप चलते हैं उत्पत्ति देखने के लिए उत्पत्ति में क्या क्या आपको मालूम है इसको आप सबसे पहले अगर देखते हैं तो आप ऐसे समझिए कि त्रिभुज ए बी सी ये कोण को क्या बनता है संधि खंड का। तो यहाँ से कोण एक बराबर किसके है कोण दो ये आपको क्या ज्ञान समांतर चतुर्भुज ए बी सी क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं कैसे होती है बराबर होती है तो ए बी किसके बराबर है सी डी के तथा बी सी किसके बराबर है ए डी के बी सी किसके बराबर है एक बात को आपको ये पता है वैसे आप ये भी जानते हैं कि एक वितरण एसी है और दूसरा वितरण बीई है। पहले आपको ये दिखाना है कि कोण तीन कोण चार के बराबर कोण तीन कोण चार के बराबर कैसे दिखा पाएंगे अगर आप देखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी तो यहाँ पे आपको ये तो पता है कि ए बी सी में बी सी किसके बराबर होगा ए बी के ए बी कोण है इस हो जाएगा और कोण एक कोण दो के बराबर हो जाएगा लेकिन कोण एक कोण दो के बराबर होगा इसका मतलब क्या हुआ कि इससे यही साबित होगा कि आप एक कोण इस कोण के बराबर है तो क्या ये कोण बराबर होगा। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा ही देर तो यहाँ पे देखिए चूंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ए बी सी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के बी पर ए सी तथा बी डी AC तथा BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं समद्विभाजित करते हैं समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब क्या है कि OA किसके बराबर है OA बराबर किसकी है OA बराबर किसकी है OC और वो भी बराबर किसके है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी ए बी सी आप इसको कैसे कर सकते हैं देखिए जैसे अगर आप यहाँ पे ले लें कि त्रिभुज ओ बी सी और त्रिभुज ओ बी सी तो आप ऐसे भी जान सकते हैं ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ओ बी बराबर ओ बी ओ सी और साथ में आपको ये पता है कि समांतर चतुर्भुज है तो इसके बराबर होगा तो यहाँ से संभव नहीं।
ए बी सी लेते हैं और ए बी सी लेते हैं तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी सी और बी आई बी, इसमें कोण एक कोण दो के बराबर है। और इसके बाद कोण तीन कोण चार के बराबर है। तो ये आपको सारे तो एक ले लीजिए ओ बी सी और ओ बी सी, ये कोण तीन किसके बराबर, कोण चार ये हो गया इसके बराबर है। चलिए इतना पता है। अब ये देखिए विकर्ण जो है कोण एक बराबर कोण दो, तो यहाँ पे आपको देखना है कि OB बराबर OB, तो त्रिकोण OBC, त्रिकोण OBC तथा त्रिभुज OBC, त्रिकोण OBC यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OB किसके बराबर है, OB बराबर किसके है OB, ये आपको ज्ञात, ये आपको ज्ञात। साथ में आपको ये भी पता है कि OB दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, ये OC बराबर क्या है, OC बराबर क्या है OC, ये क्या है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। पहले नंबर पे आपको ये दिखाना है, ये इसको निर्धारित करता है। तो एक तो आपकी उभयनिष्ठ हो गई और साथ में जो है आपको ये इसके बराबर है और यहाँ पे ये जो कोण आपका है ये नब्बे, तो यहाँ पे आपका बनेगा कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी, सी ओ डी ये कितने का होगा नब्बे। इसलिए त्रिभुज बी ओ सी या ओ बी सी समान सम त्रिभुज ओ बी सी, तो कोण तीन किसके बराबर होगा कोण चार के, इसलिए आप कह सकते हैं कि विकर्ण AC, इसलिए विकर्ण AC कोण C को समविभाजी करता है, समविभाजी करता है एक बार। अच्छा होमवर्क, इसमें जो आपका होमवर्क है वो आप देख लीजिए, होमवर्क में आपको देखना है इसका एक पार्ट है, इसी प्रश्न का एक पार्ट है आपको कि सिद्ध करना है। आपका दूसरा वाला पार्ट है एबीसी की समचतुर्भुज, तो नंबर एक पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, लंबाई के होते हैं। नंबर दो है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए अनुपाती कोण बी अनुपाती कोण सी बराबर एक अनुपाती दो अनुपाती तीन है, तो प्रत्येक कोण को ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण को ज्ञात कीजिए, ये